दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेला गया और इस मैच में हर्षल पटेल और दीपक चहर ने बल्ले से कमाल ही कर दिया। दीपक चहर की बल्लेबाजी को देख पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा ने भी सलाम ठोक दिया। जी हां दोस्तों बताएंगे पूरी खबर। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि भारत आज 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इसके बाद हर्षल पटेल और दीपक चहर ने जो किया उसे देख पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा भी दंग रह गए। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हर्षल पटेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में 18 रनों की अहम पारी खेली। हर्षल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक चहर ने तो सबको हैरानी कर दिया। दीपक चहर ने 8 गेंदों में 21 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। आखिरी ओवर में चहर ने एक ऐसा छक्का जड़ा जिसे देख पवेलियन में बैठे कप्तान रोहित शर्मा ने सलाम ठोक दिया। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 184 रनों का स्कोर खड़ा किया है। आखिरी ओवर में दीपक चहर ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए भारत को यहां तक पहुंचाया। एडम मिलने के इस ओवर में चहर ने पहली 2 गेंदों पर लगातार चौके ठोके और फिर अगली ही गेंद पर छक्का भी जमा दिया। इस ओवर से भारत को 19 रन मिले। तो दोस्तों आप टीम इंडिया की इस बल्लेबाजी प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।